हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सब्जी बेचने वाला निकला कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। मांगली गांव में एक हाथ लोरी पर सब्जी बेचने वाला शिवकन सब्जी मंडी में सैंपलिंग के दौरान मंगलवार देर रात को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आते ही मोहल्ले व गांव में हड़कंप मच गया। बीपीएमओ प्रमोद गिरी ने बताया कि युवक को प्रशासन ने मंगलवार देर रात को 108 पहुंचकर सुमेरपुर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया। वहीं सब्जी बेचने वाले की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूले। इधर सब्जी बेचने वाला पॉजिटिव निकलते ही प्रशासन के लिए बनी आफत। सब्जी बेचने वाला गांव में घूमता था गली गली, जहां पर सवेरे होते ही हलका पटवारी सुरेश कुमार ओझा व बीट प्रभारी परता राम जानी की मौजूदगी में 100 मीटर के दायरे को पूरी तरह से सीज किया गया एवं हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव करवाया गया। वहीं चिकित्सा विभाग का कहना है कि पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोगों की जल्द ही सैंपलिंग करवाई जाएगी। बांगले गांव में ये चौथा पॉजिटिव मामला सामने आया है, जहां पर पूर्व में 3 पॉजिटिव से नेगेटिव सचेत होकर घर लौट आए हैं और अब गांव में एक ही पॉजिटिव केस है। बांगले ग्राम पंचायत क्षेत्र में मड़िया नाले पर चल रहे नरेगा कार्य पर करीब 80 नरेगा मजदूरों की सैंपलिंग करवाई गई है। वहीं अन्य जगह पर चल रहे हैं कार्य के नरेगा श्रमिकों की भी जल्दी कोरोना सैंपलिंग की जाएगी। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।